हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं 11.4 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने या लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए केवल एक ही क्वेश्चन किया था, है ना। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे आपके क्वेश्चन बीच में छूटे ना। सारी की सारी वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगी। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना सिलेबस। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है, जिस भी चैप्टर से रिलेटेड, जिस भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। यानी एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, लाइक गेट दी हुई है, ये दी हुई है, इनको आपको किस में चेंज करना है, इनको आपको एक्सप्रेशंस में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन सलीम स्कोर्स आर रन इन अ क्रिकेट मैच, नलिनी स्कोर्स आर प्लस 15 रन्स, है ना। अब इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलेंगे नलिनी स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम्स, है ना। यानी नलिनी ने सलीम से 15 रन ज्यादा बनाए। इसी एक्सप्रेशन का मतलब यही तो पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सलीम का स्कोर था आर रन और नलिनी ने बनाए आर प्लस 15 रन, ठीक है। तो हमें भी एक्सप्रेशंस में ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज पी, है ना, एंड अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज 3p। यानी एक नोटबुक की कॉस्ट पी है, एक नोटबुक की कॉस्ट 3p है। तो इसके लिए जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो एक्सप्रेशन हम देंगे, वो क्या होगा बता सकता है कोई? क्या होगा उसके लिए हम लिखेंगे, अ बुक कॉस्ट इज 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं ना। यानी दो अलग अलग चीजों की कॉस्ट दी हुई है, ये नोटबुक की कॉस्ट है और ये बुक की कॉस्ट है। दोनों के बीच में कनेक्शन बताना है और एक एक्सप्रेशन सामने आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी ना। तो क्या लिखा है, अ बुक कॉस्ट इज 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्या है, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। कितने मार्बल्स रखे हैं टोनी ने? क्यू मार्बल्स रखे हैं। ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। 8 क्यू मार्बल्स उसके पास बॉक्स में है। यानी सेंटेंस का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से और दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से लिंक करना है, और उसको लिंक करते हुए स्टेटमेंट देनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, टोनी बॉक्स कंटेन बॉक्स कंटेन्स 8 times। जब भी किसकी बात आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की बात आ जाएगी ना। देखो बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आ जाएगी हम क्या लगाएंगे, टाइम्स, 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। यानी जितने टेबल पर मार्बल हैं उनसे 8 गुना ज्यादा टोनी के बॉक्स पे मार्बल है, ठीक है। क्लियर हो गई ना इतनी बात, समझ में आ गई सबको? चलो तो आगे चलते हैं। फिर केवल लैंग्वेज पढ़ते जाइए और करते जाइए। आवर क्लास हैज एंड स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में एंड स्टूडेंट्स हैं। द स्कूल हैज 20 एंड स्टूडेंट्स, और स्कूल में कितने हैं, 20 एंड। यानी अभी भी मल्टीप्लीकेशन से लिंक्ड है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द स्कूल हैज 20 times, द स्कूल हैज 20 times
20 टाइम एन स्टूडेंट्स, 20 टाइम्स एन स्टूडेंट्स दैट ऑफ आवर क्लास. या 20 टाइम्स मोर स्टूडेंट्स, है ना, एन नहीं लिखते, 20 टाइम्स मोर स्टूडेंट्स दैट ऑफ आवर क्लास. हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उससे 20 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट हमारे स्कूल में हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? ऐसा तो नहीं है किसी को बातें नहीं समझ में आ रही है. बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट को लिखना है. ठीक है, जग्गू इज जेड इयर्स ओल्ड, हिज अंकल इज 4 जेड इयर्स ओल्ड एंड हिज आंट इज 4 जेड माइनस 3 इयर्स ओल्ड. तो कैसे बनेगी अब स्टेटमेंट देखते हैं. ठीक है, जग्गू की एज तो जेड ईयर हमें मालूम है. आप लिखेंगे जग्गूज अंकल एजेस, अंकल्स एज इज 4 टाइम्स मोर देन जग्गू. ठीक है, ये तो हो गई जग्गू के लिए बात कि उसके अंकल की एज कितनी है. जग्गूज अंकल्स एज इज 4 टाइम्स मोर देन जग्गूज एज, या 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गूज एज. मोर देन लिखो या फिर ओल्डर देन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, देन जग्गूज एज. अब इसके लिए स्टेटमेंट बताएंगे. ये कौन है? आंट है. ठीक है, आंट एज इज 3 इयर्स less than his uncle's age. यानी जो उसकी आंट की एज है वो उसके अंकल की एज से 3 इयर्स कम है, या his aunt is 3 इयर्स younger than his uncle. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? या तो ये लिख दो his aunt's age is 3 इयर्स less than his uncle's age, और क्या लिख सकते हो? और आप लिख सकते हो his aunt is 3 इयर्स younger than, क्या younger than, क्या younger than his uncle. क्लियर? तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 है. कहाँ है ये? 1 का आंसर है और ये 2 का आंसर है, और ये उसके लिए ऑब्लिक है. या तो आप ऊपर वाला लिख दो या आप नीचे वाला लिख दो. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो. इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर 8 रोज. कितनी रोज है? 8 रोज है. ईच रो कंटेन 5 डॉट्स. अब हर रो में कितने डॉट्स हैं? 5 डॉट्स हैं. कितने डॉट्स हैं? नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आर. नंबर ऑफ डॉट्स इन 1 रो या ईच रो इज इक्वल टू 5. ठीक है, टोटल नंबर क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रो. जो टोटल नंबर है ना, जो डॉट्स का टोटल नंबर है वो 5 टाइम है. भाई आर रोज है और एक रो में 5 है, तो आर रोज में कितनी होंगी? 5 आर हो जाएंगी. तो हम क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज. 5 गुना है ना नंबर ऑफ रोज से. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी देख लो एक बार. अगर कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज को
पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। गिवन मनुज एज टू बी एक्स ईयर्स, ठीक है, हमने मनु की एज को एक्स मान लिया। कैन यू गैस व्हाट एक्स माइनस टू मे शो, यानी ये जो एक्स माइनस टू है ये क्या शो कर रहा है। अब इन्होंने हिंट में क्या दिया है कि ये जो एक्स माइनस टू दिया हुआ है ना, इसको आप उसको ब्रदर की एज मान लो, ब्रदर मान लो, तो हम क्या बोलेंगे, हर ब्रदर्स हर ब्रदर इज लिख देते हैं, है ना, हर ब्रदर इज टू इयर्स यंगर देन मनु, ठीक है। अगली बात समझ में क्या लिखा हुआ था, ये बताओ भाई, समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ है कि अगर एक्स ईयर्स मनु की एज है, क्या लिखा है, अगर एक्स ईयर्स मनु की एज है तो ये बता दो ये जो x माइनस टू है ये किसको शो कर रहा है, x माइनस टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हर ब्रदर इज टू इयर्स यंगर देन मनु, यानी आपको यहां पर ब्रैकेट में दे दिया कि अगर आप मनु के भाई को गैस कर लो कि ये मनु का भाई हो सकता है, तब आप क्या स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैन यू गैस व्हाट एक्स प्लस फोर में शो, व्हाट थ्री एक्स प्लस सेवन में शो, एक्स प्लस शो फोर क्या शो करता है और 3x प्लस सेवन क्या शो करता है। जब प्लस की बात आ जाए, माइनस की बात आ जाए, तब तो हम उसके भाई बहन को ले सकते हैं, है ना, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जैसे यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का मार्क आ गया, तब तो भाई बहन को नहीं ले सकते हम, तब हम क्या लेंगे, उसके लिए हम मदर को ले सकते हैं, फादर को ले सकते हैं, यंग अंकल को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, है ना। तो अब इसने क्या पूछा है, कैन यू गैस व्हाट x प्लस फोर में शो, x प्लस फोर क्या शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे x प्लस फोर रिप्रेजेंट द पर्सन हूज एज इज x माइनस टू इयर्स and he is 2 years इसको रब आउट करेंगे, x प्लस फोर रिप्रेजेंट द पर्सन हूज एज इज x प्लस फोर आएगा यहां पर, फिर से लिख देते हैं एक बार, प्लस फोर रिप्रेजेंट द पर्सन हूज एज इज एक्स प्लस फोर इयर्स, ठीक है, एंड he is 4 years elder than the manu, ठीक है, यानी x प्लस फोर ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो मनु से 4 साल बड़ा है। जैसे हमने ऊपर ले लिया था कि x माइनस टू उसके छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है जो उससे 2 साल छोटा है, ठीक है। आप यहाँ पर अ पर्सन ना लेकर यहाँ पर आप ब्रदर ही ले सकते हो कि x प्लस फोर रिप्रेजेंट द ब्रदर ऑफ मनु हु इज 4 years एल्डर देन द मनु, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 3x प्लस सेवन किसको रिप्रेजेंट करता है, अब
3x plus 7 के लिए आप लिख लेंगे यहां पर, ये मैं इसको रेड पेन से लिख देती हूं ऊपर, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से यहां लिख देती हूं ऊपर, 3x plus 7 represent that represent the person whose age is 3x plus 7, एक ऐसे person को represent कर रहा है जिसकी एज 3x plus 7 years है, ठीक है। एल्डर देन या एल्डर टू, मनु एंड हिज एज इज 7 इयर्स मोर देन द 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ मनु। ठीक है, यानी ये ऐसे पर्सन की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मनु से, मनु के एज के 3 गुने से 7 साल ज्यादा है। क्या? मनु की एज से, एज के 3 गुने से 7 साल ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे, अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से देखना इस वीडियो को, एक बार फिर से पढ़ना इन स्टेटमेंट्स को और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी से फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, अभी तक शेयर नहीं किया, वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, वो फटाफट से लाइक करेंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो अभी तक सब्सक्राइब करेंगे फटाफट, ठीक है ना। आपको रोज एक वीडियो मिलती है 1:30 PM पर जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होती है, NCERT, ठीक है। चैप्टर की, हर एक एक्सरसाइज की और हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती है, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो पा रहा है तो आप एक बार वीडियो देखेंगे, दो बार वीडियो देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ये मैंने प्ले लिस्ट में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आप कोई और बुक यूज कर रहे हैं, यानी NCERT के अलावा अगर आप कोई बुक और यूज कर रहे हैं, वहां से आपकी कोई क्वेरीज है तो उनको भी आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। ये मेरा YouTube का लोगो है, YouTube पर जाकर आप श्वेता क्लासेस डालकर और साथ में अगर मैथ भी डाल देंगे तो ये लोगो नजर आएगा आपको, यहाँ से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर आपको डेली अपडेट्स मिलती है, यानी जो वीडियो आपको YouTube पर मिलेगी वही वीडियो आपको डेली Facebook पर भी मिलेगी, ठीक है। तो देर नहीं करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमसे आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर तो कर ही देना सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सारा एज टुडे टू बी वाई इयर्स, सारा की एज कितनी दी हुई है, वाई इयर्स दी हुई है, ठीक है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, उसकी एज को फ्यूचर में सोचो और पास्ट में सोचो, तो क्या लिखेंगे। आफ्टर एन ईयर्स यानी एन साल के बाद उसकी एज क्या होगी, बताओ क्या होगी। हर एज इज क्या हो जाएगी, वाई प्लस एन हो जाएगी ना, है कि नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देती तो 5 इयर्स बाद उसकी एज क्या होगी, y प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। अब पास्ट में देख लेते हैं, बिफोर कितना,
बिफोर एन ईयर्स हर एज कितनी हो जाएगी? अगर पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर दो, क्या हो जाएगी उसकी एज? एन माइनस फाइव हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, ये जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है हमें y प्लस सेवन। तो y प्लस सेवन हम क्या कह सकते हैं? y प्लस सेवन हम कह सकते हैं अ पर्सन, यानी y प्लस सेवन इयर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ अ पर्सन एज ऑफ अ पर्सन हूज एज इज जिसकी एज हूज एज इज सेवन इयर्स एल्डर देन इससे सारा, यानी उसकी जो उम्र है वो सारा से सात साल ज्यादा है। y प्लस सेवन इस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, y प्लस सेवन किसको रिप्रेजेंट करता है? कि कोई एक पर्सन है जिसकी एज सारा से सात साल ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो y माइनस थ्री। y माइनस थ्री रिप्रेजेंट्स the person whose age is y minus 3 years and is 3 years younger Then, यानी ये जो y माइनस थ्री है ना, ये ऐसे बच्चे की एज को या ऐसे पर्सन की एज को रिप्रेजेंट करता है जो सारा से तीन साल छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो y प्लस फोर होल, y प्लस फोर होल वन अपॉन टू, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y प्लस फोर वन अपॉन टू। ठीक है, इसको आप लोग, चलो इसको मैं कर देती हूं, लेकिन इसके बाद जो ये वाला है ना, इसको आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग खुद करेंगे, पक्का ना? चलो देखो, तो इसके लिए हम लिखेंगे y होल फोर वन अपॉन टू रिप्रेजेंट द पर्सन whose age is y plus 4 whole 1 upon 2 years and is 4 years and four whole one upon 2 years elder than son. ठीक है, यानी ये जो y plus 4 whole 1 upon 2 है, ये एक ऐसे पर्सन की एज को डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है जो सारा से 4.5 साल बड़ा है। ठीक है, क्या है? जो सारा से 4.5 साल बड़ा है। तो हम क्या लिख देंगे? y प्लस फोर होल वन अपॉन टू रिप्रेजेंट द पर्सन हूज एज इज y प्लस फोर होल वन अपॉन टू इयर्स एंड फोर होल वन अपॉन टू इयर्स एल्डर देन द सन। और बिल्कुल यही वाली स्टेटमेंट आप इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर आप एल्डर की जगह पर क्या लिखेंगे? एल्डर की जगह पर लिखेंगे यंगर। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना होगा। बिल्कुल ये पैटर्न को देखकर
अगर आप एक बार दो बार इसको लिखेंगे समझेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि हमें कब तो टाइम्स लिखना है, कब हमें ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। कितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं? एन स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट मे टू एन शोज, व्हाट मे एन अपॉन टू शोज। तो टू एन क्या शो कर रहा है या एन अपॉन टू क्या शो कर रहा है? थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल, फुटबॉल की जगह पर कुछ और गेम आप सोच सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, टू एन शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू लाइक्स हू लाइक टेंस। ठीक है, और n upon 2 के लिए तो लिखेंगे n upon 2 shows the number of students who like cricket। ठीक है भाई, अगर n स्टूडेंट फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं तो 2n स्टूडेंट टेनिस पसंद कर रहे हैं, n upon 2 स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, हमें करना ही क्या, हमें कुछ नहीं करना है, केवल 2n और n upon 2 को एडजस्ट करना था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई सबको, जल्दी से बता दो अब कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर दो फटाफट कि किस किस को समझ में आ गई ये बातें। क्वेश्चन कुछ नहीं थे, क्वेश्चन पूरे के पूरे थ्योरी बेस्ड थे और थोड़ा सा आपको इसमें अपने ब्रेन से वर्क कराना था, है ना, कि हमको सोचना था क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, बस यही आपको सोचना है। एक बार वीडियो आप पूरी देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को जब करेंगे तो क्वेश्चन आपसे 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो भी क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक बार वीडियो देखना जरूर पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि स्टेटमेंट हमको लिखनी कैसे है, है ना। लिखी हुई स्टेटमेंट को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब कोई बोलता है तो उसके बोलने पर उस स्टेटमेंट को समझना बहुत आसान है, है ना। जब हम किसी भी क्वेश्चन को माइंड में बिल्कुल साइलेंटली रीड करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसको बोलकर रीड करते हैं, जोर से बोलकर जब हम रीड करते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है ना। या कई क्वेश्चन लिखा देख लो आप उसको रीड करते हो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपकी टीचर सामने से बोल देगी आपको एक बार तो आपको फट से समझ में आ जाएगा, है ना। बस यही है इन क्वेश्चंस के साथ कि एक बार आप वीडियो अगर देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर करना किसी को भी नहीं भूलना, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी भी नहीं किया, पूरी वीडियो देख ली और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि रोज आने वाला नोटिफिकेशन, कौन सा नोटिफिकेशन, रोज 1:30 PM पर जो आपकी क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगर आपके घर में कोई बच्चा क्लास 5 में भी है तो उसके लिए भी मैंने डाउट पेज, यानी पूरा का पूरा जो भी आपके कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स होते हैं जिनमें आप अटक जाते हो या बच्चों के लिए नए हैं, उसके लिए मैंने क्लास 5 की पूरी एक 25 वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वहां से जाकर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, आपकी क्लास में जो आपके घर में या आपका भाई बहन अगर कोई क्लास 5 में है तो वो भी अपने डाउट्स वहां से क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।